आपने भी करीना कपूर नजर आ रहा है। मैं क्या, मैं भी हूँ, दोबारा कर। इस तरह के लोगों से आप दूर रहें, रेडियो के पास ना आने दें। बड़ा पाव है ये, असल जो इंडिया का है ना आलू की रेसिपी, ये वो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा हूँ मैं? मैं क्या, मैं भी हूँ, दोबारा कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसे लग रहे हैं हम? तो अब आप जैन को मेरे साथ व्लॉग में देखते हैं, इसलिए जैन का तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है फूड व्लॉग, और फूड की जब बात आती है तो हम जैसे कराची का हमारे जहन में आता है, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है जैन भाई? बिरयानी, नो डाउट। और अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान का सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? सोना हलवा। और अगर खानपुर की बात की जाए तो खानपुर का सबसे पहले? पेड़े। और गुजरांवाला की अगर बात की जाए तो गुजरांवाला बटेरे। और लाहौर की बात की जाए तो भजे के सिरी पाए और जेदे की लस्सी, इनका कोई सानी नहीं है। इंडिया की ये काफ़ी फेमस डिश है, हमने अक्सर मूवीज़ में ड्रामाज में देखा हुआ है, वड़ा पाव, ठीक है। लेकिन हम शुरू से देखते आ रहे हैं मूवीज़ में ड्रामाज में, मतलब लोग खाते हैं वड़ा पाव, क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी टेस्ट करें, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, आपको भी पता है। लेकिन कुछ माह पहले हमें पता चला था कि लाहौर में एक भाई हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है वड़ा पाव, तो बहुत ट्राई किया कि जाएँ कभी। एक तो लाहौर से काफ़ी दूर, मतलब लाहौर में ही है लेकिन काफ़ी डिस्टेंस है, थोड़ा सा साइड पे आ जाता है, तो इसी वजह से कोई स्केड्यूल ऐसा नहीं बना कि हम वहाँ जाएँ। आज हम स्पेशल आए हैं इसलिए कि आपको भी दिखाएं कि और आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि वड़ा पाव है क्या। तो अब हम यहाँ पे आए हैं, तो अगर वड़ा पाव की बात करें तो उससे पहले ज़रा उसकी हिस्ट्री बताते चलें कि ये स्टार्टिंग कहाँ से, इसका पायनियर कौन था। तो ये मुंबई, इंडिया में मुंबई, होमवर्क करके आए आज ये। तो इंडिया में मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में रेलवे स्टेशन के सामने अशोक नामी शख्स ने 1966 में ये स्टार्ट किया था, और देखते ही देखते आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वड़ा पाव पॉपुलर हो चुका है। तो अब हम आए लाहौर PKLI हॉस्पिटल के सामने, ये आप देख सकते हैं DHA Phase 6 में। तो इसके बारे में अब ज़रा लोगों से भी पूछते हो, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर वड़ा पाव दिखने में कैसा है, जायका कैसा है, बनता कैसे, उन भाई से पूछते हैं जिन्होंने इसको लाहौर में स्टार्ट किया है। को शेफ से मिलवाते हैं जिनको ये रेसिपी का आइडिया आया, अगर पाकिस्तान में, हमारी ख्वाहिश थी कि ये रेसिपी पाकिस्तान में भी आए, ये वड़ा पाव पाकिस्तान में भी आए, जो पाकिस्तान में स्टार्ट किया, तो भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। मुजाहिद भाई, अच्छा मुजाहिद भाई, आपको कैसे आइडिया आया कि ये इंडियन डिश है, इसको पाकिस्तान में लॉन्च करने का? देखें, ये एक डिफरेंट डिश है जो पाकिस्तान में, ये दरअसल ये इंडिया में होती है, पाकिस्तान में बहुत कम होती है। तो कुछ लोग थे जो वहाँ से सीखे हैं, हमने उनके साथ काम किया है, ठीक है, और काम सीखने के बाद अल्लाह का शुक्र है आज ये दवा, तो हमने अपना ये आइडिया लगाया कि ये बहुत अच्छी। आप किस जगह से ये सीख के आए हैं? ये मैंने यहीं पर सीखा है। यहीं से किससे? ये जो है PK हॉस्पिटल के सामने ही है ये जगह जो है Phase 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीखा और अल्लाह का शुक्र है यहीं पे हमने अपना कारोबार जो शुरू किया है और यहीं पे बेहतरीन चल रहा है। तो अब लोगों का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है, यानी जो भी दूर दूर से यहाँ से खाने के लिए आते हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं और माशाल्लाह अच्छा यहाँ पे दिख दे रहा है। अच्छा, जैसे पाकिस्तानी एक डिश है हमारी है बर्गर, हो गया जिसे हम कहते हैं अंडे वाला बर्गर जी, तो मुझे तो सिंपल ये देख के एक बर्गर ही लगा, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो मैंने सुना था कि बहुत रश होता है, स्पेशल चीज़ है, एक अजीब ही टेस्ट है इसका जी? बिल्कुल, ये एक स्पेशल चीज़ है क्योंकि जो अंडे वाला बर्गर होता है वो उसको तवे पे गर्म करते हैं, तवे पे गर्म करते हैं, उसमें और पता नहीं कौन कौन से क्वालिटी घी डालते हैं, वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है जो हम बंद को काटते हैं, काट कर स्टीम करते हैं, और स्टीम के बाद जो एक बड़ा जो होता है हमने उसको घी में फ्राई करके बांध, तो इसमें चिकन भी होता है। और क्या रेसिपी है आपकी? ये एक चिकन में है और एक आलू में, चिकन का भी एक बड़ा होता है जिस तरह आलू का, ये बड़ा इस तरह का एक चिकन में होता है, लेकिन जो मेन है जो इंडियन रेसिपी है वो तो आलू वाला है। आलू वाला, ये जो चिकन वाला ये हमारे अपनी शौक से पसंद गए, लोग करने लगे और आलू से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र यहाँ पे चिकन को ज़्यादा पसंद, मतलब जिस तरह कहते हैं कि वक्त के साथ अपडेट हुआ जाए, अपडेट हुआ गया, तो इसी तरह आप लोगों ने एक चिकन की आइटम भी साथ साथ स्टार्ट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज हमें आप क्या टेस्ट करवाएंगे, अपने कौन से स्पेशल वड़ा पाव टेस्ट करवाएंगे आपको? सबसे स्पेशल करवाएंगे जो चिकन चीज़ है, चिकन चीज़ वो एक सादा है और एक प्यारी पाइट की प्लेट है आपके लिए, ठीक है। ये ज़रा बनाएं, सबसे पहले कौन सा बना रहे हैं? चिकन कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये हमारा चिकन है, ये चिकन की टिक्की जी, और एक जो है सादा आपके लिए जो है बना रहे हैं, ये ओरिजिनल इंडिया का वड़ा पाव है, ये असल जो इंडिया का है ना आलू की रेसिपी, ये वो है, और ये आपके लिए प्यारा बाइट तैयार करने, ये कौन सा वाला है? प्यारी बाइट,
पेरी बाइट, ठीक है। और इसके साथ ये मैनिस वाली जो होती है, एक मैनिस होती है रस्ती, मैनिस की सॉस है आपकी, इसके साथ लोग जो है टेस्ट करने के लिए लगा के खाते हैं। ठीक हो गया। इसमें चीर के डाली होती है पहले से काट, चीर पहले आप लोगों ने डाली होती है। जो है सबसे पहले जो काट के ना इसका जो बीच में से इसके बीज निकाल देते हैं ताकि कड़वाज इसकी जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है। फिर इसमें हम जो है चीज़ डालते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें ना टेस्ट आ जाए। ठीक है। और बाद में हम इसमें आलू की रेसिपी करते हैं। इसमें दो किस्म की होती है, चिकन भी डाला जाता है और आलू भी डाल देते हैं। बाद दफ़ा लोग चिकन वाली भी करवा लेते हैं हमसे प्लेट, तो जो सादी है वो 50 रुपये की है, जो चिकन वाली है वो 100 रुपये की है। ठीक है। रेड मसाला है क्या? रेड मसाला जो नीचे लगता है टेस्ट के लिए। ठीक है। और ये चिकन का बड़ा है क्या? तो एज़ यू नो दैट ड्यू टू द कोविड-19 वी आर नॉट अलाउड टू डाइन, लेकिन इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मैं चेयर्स लगा दी हैं। तो अब खाते हैं, फिर आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, जो जो लिटरली इसका टेस्ट होगा आपको वही बताएंगे। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, कैसा लगा? बड़ा पाव वाकई बहुत मज़ेदार है, बर्गर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो अंदर इन्होंने ये पैटी डाली हुई है टिक्की, ये क्रंची भी, और क्रंची इन्होंने अलग से भी डाला है, और जो एक इनकी ग्रीन सॉस है उसका जायका लाइट सा आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने चिली ऊपर डाली ना उसका जायका ज़्यादा आ रहा है। तो अगर वैसे बात की जाए इसका क्या रेट है? सादे का तो 60 रुपये मुख्तलिफ रेट में है, कोई किसी का 45 रुपये है, किसी का 35 है, किसी का 60 है, तो रेट मुख्तलिफ है। तो अगर 60 रुपये में देखा जाए तो बहुत फिट है, 60 रुपये में बिल्कुल महंगा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। चिकन वाला एक मज़ेदार है, लेकिन वड़ा पाव जो ओरिजिनल है वो है आलू में, और मैं अगर रिकमेंड करूँगा ना आपको तो वो मैं आलू वाला ही रिकमेंड करूँगा। चिकन में एक अपडेट के मुताबिक लाइक आहिस्ते हर चीज़ को अपडेट किया जाता है, तो आवाम की मतलब एक रिक्वायरमेंट्स होती है कि चिकन में भी हो आलू में भी हो, तो उसके मुताबिक इन्होंने अपडेट किया, लेकिन जो आलू वाला है बड़ा पाव वो ज़्यादा मज़ेदार है, तो मैं उसको रिकमेंड उसको ही करूँगा। कंपेयर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। नाउ वी विल गो फॉर द चिकन। फेमस तो ये आलू वाला है, बेसिकली बड़ा तो यही है, तो इसका अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है, बट आई विल रेकमेंड यू बोथ। अब ज़रा पेरी बाइट्स को ट्राई करते हैं। ये इन्होंने एक सेपरेटली मेयोनीज की एक सॉस बनाई हुई है, इसके अंदर डिप करके अब ट्राई करते हैं ज़रा पेरी पेरी बाइट्स को। मज़ेदार है, आलू बीच में डाला हुआ है, इन्होंने थोड़ी सी चीज़ डाली हुई है, चीज़ी पेरी पेरी बाइट्स है। जिसको स्पाइसी पसंद है उसके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की डिश है। मैं स्पाइसी पहले लाइक करता, लेकिन अभी मैं स्पाइसी को लाइक नहीं करता हूँ, तो स्पाइसी वालों के लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो इन तीनों में अगर मैं बेस्ट कहूँगा तो मैं अगेन कहूँगा कि आलू वाला जो वड़ा पाव वो बेस्ट है। अगेन फॉर द स्पाइस लवर्स दे आर बेस्ट, बट हम ज़रा स्पाइस कम ही लाइक करते हैं, तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट नई चीज़ है, बहुत अच्छी है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो अगर मैं इन सबको 10 out of रेटिंग दूँगा तो आई विल रेट इट 8 out of 10। ऑडियंस का भी रिव्यू लेते हैं, हमने तो अपना रिव्यू दे दिया, ऑनेस्ट रिव्यू दिया है हमने, ये नहीं कि कोई पेड कमेंट्स जिस तरह कहते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू था।
अब ऑडियंस से भी रिव्यू लेते हैं कि अगर वड़ा पाव कैसा लगा ने। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद शेरानी है जी। अच्छा दाऊद भाई, वड़ा पाव कैसा लगा और आप किस जगह से हैं स्पेशली वड़ा पाव खाने? यार मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं फेस फाइव से आया हूँ। फेस फाइव से आए हैं? बहुत दूर से आए। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैंने जब भी मैट देखी थी करीना कपूर बड़ी शौक से खाती है, तो मैं उसके लिए आया हूँ स्पेशली। देखिए, हमने पहले भी एक बात की थी कि आप इंडियन मूवीज ड्रामा वगैरह में ये देखते हैं वड़ा पाव, तो जैसे हम वो देख के हमारा दिल करता था यार कि पाकिस्तान में वड़ा पाव होना चाहिए। तो इसी तरह दाऊद भाई भी कह रहे हैं कि मैंने जब भी मैच देखी थी तो उसमें करीना कपूर के प्यार के लिए, करीना कपूर के प्यार के लिए। तो करीना कपूर के प्यार कहाँ तक ले और कैसा लगा फिर आपको वड़ा पाव? मुझे बहुत अच्छा लगा, यूनिक टेस्ट है। आप भी करीना कपूर नजर आ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।